जय माँ बगलामुखी, जय श्री महाकाल। घर में नहीं टिकता पैसा, तिजोरी में चुपचाप रख दें ये तीन सामग्री, माँ लक्ष्मी खाली नहीं होने देगी आपका खजाना। भक्तों, यदि आप अपने जीवन में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल माँ बगलामुखी भक्त कुरुक्षेत्र को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं आचार्य प्रदीप भारद्वाज अपने यूट्यूब चैनल माँ बगलामुखी भक्त कुरुक्षेत्र में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। भक्तों, मैं आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। माँ बगलामुखी की कृपा सदा सदैव के लिए आप पर बनी रहे, ऐसे मैं भगवती बगलामुखी से कामना करता हूँ। शास्त्रों के अनुसार बताया जाता है कि तिजोरी ऐसी चीज़ें हैं जो माता लक्ष्मी से प्रेरित है, इसीलिए यहाँ पर ऐसी चीज़ होनी चाहिए जिससे माता लक्ष्मी प्रसन्न हो, आपके जीवन में धन धान्य की वृद्धि हो, जीवन में सुख समृद्धि का वास हो। इसलिए कुछ खास सामग्री तिजोरी में रखने से माता लक्ष्मी खाली नहीं होने देती कभी भी आपका खजाना। तो यदि आप अपने जीवन में आर्थिक समस्या से परेशान हैं, धन की आवक को लेकर के आप परेशान हैं, पैसे की तंगी से आप जूझ रहे हैं और आप चाहते हैं कि आपके जीवन में आपको पैसे की तंगी से छुटकारा मिले, धन आदि की वृद्धि आपके जीवन में हो और अनेकों प्रकार के सुख शांति वैभव और भौतिक सुखों का आपके जीवन में यदि लाभ आप चाहते हैं तो आप इस वीडियो को अवश्य देखें और बिना स्किप किए पूरा वीडियो अवश्य देखें ताकि आपको जानकारी हो सके कि कैसे आप माता लक्ष्मी की कृपा अपने जीवन में प्राप्त कर सकते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को अधिक से अधिक संख्या में शेयर करना ना भूलें। आधुनिक दुनिया में पैसा सभी के लिए जरूरी है। कई लोग अपने जीवन में बहुत मेहनत करते हैं फिर भी घर में पैसा नहीं टिकता, वहीं कुछ की तिजोरी में रुपया आने से पहले ही खाली हो जाती है। ऐसे में शास्त्रों के द्वारा बताए गए कुछ ऐसे उपाय यदि आप अपने जीवन में अपना लेते हैं, कर लेते हैं तो आपकी तिजोरी कभी भी धन से खाली नहीं होगी। शास्त्रों के अनुसार बताया जाता है कि तिजोरी ऐसी चीज है जो माता लक्ष्मी को प्रेरित करती है, जो धन की आवक को प्रेरित करती है और इसलिए यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें होनी चाहिए जिससे माता लक्ष्मी प्रसन्न हो। खासकर समुद्र मंथन से निकली हुई कुछ चीज़ें अगर आप तिजोरी में रखते हैं तो ऐसा करना आपके लिए अति शुभ होता है, क्योंकि समुद्र मंथन के समय ही माता लक्ष्मी का जो आविर्भाव हुआ है वो भी समुद्र से ही हुआ है। तो चोरी से चुपके से रख दें ये चीज, कभी खाली नहीं होगा आपका खजाना। शास्त्रों के अनुसार बताया जाता है कि आप सबसे पहले छोटी छोटी कौड़ी, पीले रंग की जो कौड़ी होती है वो अपनी तिजोरी में रख दें, ऐसा करना अति शुभ माना जाता है। यह माता लक्ष्मी को काफ़ी पसंद है। और इसके अलावा आप एक बड़ा शंख भी अपनी तिजोरी में रख सकते हैं, क्योंकि समुद्र मंथन से निकला हुआ शंख व माता लक्ष्मी को काफ़ी प्रिय है। हालांकि यह सामग्री रखते समय ध्यान रहे कि किसी को इस बात की भनक तक ना लगे या फिर आप इन बातों के विषय में, इस गुप्त रहस्य के विषय में किसी व्यक्ति को ना बताएं। अगर आपके जीवन में फिजूल खर्च ज़्यादा होता है तो शास्त्रों में बताया जाता है कि इसके अलावा तिजोरी में आप अक्षत अखंड जो चावल होते हैं, साबुत जो चावल होते हैं, उनको आप लाल रंग की पोटली में थोड़े से बांध करके यदि रखते हैं तो यह भी माता लक्ष्मी को अत्यधिक प्रिय है। यह सामग्री रखने के बाद आप देखेंगे कि आपकी तिजोरी में पैसा आना शुरू हो जाएगा, धन की आवक आपके जीवन में बढ़ेगी। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि आपकी सेविंग अच्छे कामों के लिए होगी और फिजूल खर्च में जो आपका पैसा चला जाता था, बीमारी में चला जाता था, अनावश्यक चीज़ों में यदि आपका पैसा जाता था तो वो आपका खर्च नहीं होगा, और खर्च होंगे भी तो आपके जीवन में धन की कमी नहीं होगी और पैसे की आवक आपके जीवन में निरंतर बनी रहेगी। और आप देखेंगे कि आपके जीवन में कभी भी पैसे का अभाव आपको नहीं होगा, व्यापार को लेकर के या फिर घर परिवार को लेकर के, आर्थिक खर्च को लेकर के या फिर
भौतिक सुविधाओं को लेकर के आपके जीवन में कभी भी पैसे की तंगी नहीं होगी। भक्तों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी यदि आपको अच्छे लगे हो तो आप हमारे YouTube चैनल माँ बगलामुखी भक्त कुरुक्षेत्र को सब्सक्राइब अवश्य करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को अधिक से अधिक संख्या में शेयर अवश्य करें। जय माँ बगलामुखी, जय श्री महाकाल।